फिल्म साथियों, आज हम YouTube पर कुछ साथियों ने हमें वोकैबुलरी के बारे में द हिंदू की जो वोकैबुलरी है उसका विश्लेषण के बारे में बताया था और बात की थी कि उनका आप ट्रांसलेट करें। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है उसकी वोकैबुलरी को आपको दिखाया जा रहा है, तो आप अपने इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो शब्द है वो है माय रेड MYRAIAD माय रेड एंड नाउन है, यानी एक संज्ञा है ये। तो ये काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ पीपल्स और थिंग्स, यानी वे चीज़ों को जो वास्तव में गिनी नहीं चल सकती, वे लोग या वे चीज़ें जो उन्हें इसका अर्थ क्या हो गया कि मायरेड यानी वे जो गिनी ना जा सके, अर्थात देखी गिनने योग चीज़ें ना हो या लोग ना हो। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, मल्टीट्यूड पर्यावचीज का क्या हो जाएगा, यानी वहाँ तो क्या थे नए के बराबर, यानी बिल्कुल काउंटलेस। क्योंकि सिनोनिम में क्या है कि मल्टीट्यूड्स ए लार्ज ग्रेट नंबर्स क्वांटिटी ए लॉट स्कोर क्वांटिटी मास क्राउड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और उसको यूज हम कैसे करेंगे, माइरेड्स ऑफ इंसेक्ट्स डांस अराउंड द लाइट अबोव माय हेड, तो ये हो गया अनगिनत संख्या। ठीक, अगला वर्ड है साथियों प्रीटेंटियस, जो विशेषण है अपने आप में प्रीटेंटियस, यानी होता है क्या होता है, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इम्पोर्टेंस और मेरिट देन एज एक्चुअली पजेज, यानी हम कोई प्रयास करते हैं तो उससे प्रभावित कोई चीज़ महत्वपूर्ण हो जाए हमारे लिए, कोई चीज़ हमें महत्वपूर्ण हो जाए प्रीटेंटियस, यानी हम उसे प्रयास करते हैं और वो वास्तव में एक्चुअली पोजिशन में आ जाती है। तो प्रीटेंटियस यानी एक्चुअली पोजिशन में किसी प्रयास से प्रभावित कर हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेना, प्रीटेंटियस। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची अफेक्टेड यानी किसी को प्रभावित करना, ऑस्टेंटेटियस चिचली शोवरी क्लैसी काइंसली कॉन्स्पिरिसियस या प्रॉन्टली या टैक्टलेस। अब इसको यूज कैसे करेंगे, रोहित प्रीफर्स द सिंपल थिंग्स इन लाइफ एंड इट इज नॉट प्रीटेंटियस बाय एनी मीन्स, यानी रोहित जो है वास्तव में प्रीफर्स उन चीज़ों को लाइफ में बहुत महत्वता है जो वास्तव में मिथ्य दावेदारी अभिमानी रूप में उनका समझा जाता है। अगला वर्ड साथियों कौन सा है, कॉन्वेलीज। तो कॉन्वेलीज को हम कैसे कहें, कॉन्वेलीज इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा, रिकवर या एक्यूपरेट, यानी हम किसी चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं या हम उसको आरोग्य लाभ में काम में ले रहे हैं। ठीक, इंडिया इज नीड्स टू कन्वेलीज फॉर सेवरल ईयर टू फॉरगेट अबाउट टेररिस्ट अटैक एट वेरियस प्लेस इन मुंबई। ठीक, अगला डिक्शनरी शब्द है idiom है बियर द बर्नट ऑफ, ठीक बियर द बर्नट ऑफ idiom है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू सफर द होस्ट पार्ट ऑफ एन अनप्लीजेंट अवर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अनप्लीजेंट अवर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, उसको यूज क्या खामियाजा उठाना, बियर द बर्न ऑफ यानी किसी चीज़ का खामियाजा उठाना, जैसे हम यूज कर सकते हैं इस चीज़ को, हम देख सकते हैं विद्यार्थियों को, वेन अवर सिस्टम क्रैश्ड द कॉल सेंटर एम्प्लॉय बी बोर द बर्न ऑफ द अवर कस्टमर एंगर,
जब हमारी व्यवस्था क्या हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, द कॉल्स एंड एम्प्लॉय जो हैं वो द बाउंस ऑफ आवर कस्टमर्स, यदि हम हमारे कस्टमरों पर, उपभोक्ताओं पर क्रोधित करेंगे तो हमारा जो रोजगार है वो हम छिन जाएगा। अगला आता है इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल का मतलब क्या होता है साथियों? कैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, ओवरकम, अवर सबड्यूड। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनविंसिबल, अनकॉन्करेबल, अनबीटेबल और अनअसीलेबल। इसका यूज क्या हो जाएगा? एन इनडोमिटेबल स्पिरिट वाज नीडेड टू एंड्योर द रिगर्स ऑफ पायनियर लाइफ। अजय अदम होना उस चीज को, कैपेबल्स ऑफ बींग्स डिपटेड सॉबर कम अवर सब ड्यू। ठीक, अजय अदम होना उस चीज को। अगला डिक्शनरी शब्द क्या है? परसीप्लेक्स्ड, PSIFLAGD। तो इसका मतलब क्या होता है? गुड नेचर वाला, गुड अच्छा नेचर, टीजिंग्स अवर एक्सचेंजिंग ऑफ क्लेवर रिमार्क। यानी वे व्यक्ति जो मूर्खता बातें करता है, मूर्खता जैसी बातें करता है, गप्पे लड़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सी फ्लैग। पर्सी फ्लैग है भैया ये, पर्सन कहते हैं ना, पर्सी फ्लैग। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? जैसे ब्लैक, बैक चैट, जास्टिंग। अगला शब्दकोश कौन सा है? फ्लैबर गैस्टेड मतलब क्या होता है? शोक या सरप्राइज, एकदम फ्लैबर गैस्टेड हो गया भैया। फ्लैबर गैस्टेड यानी एस्टोनिस्टेड, स्टूपिराइड, अमेजिंग, अस्टानिस, अस्टार, स्टूपिया, स्टान, ये सब सिनोनिम है। और ये सब आश्चर्यचकित भाव को व्यक्त करते हैं, हैरत में डालने देने वाली चीजें। द पगला बुआज फ्लैबरगैस्टेड व्हेन ही वॉक इनटू द हाउस एंड फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय पुलिस ऑफिसर। अगला वाक्य क्या है साथियों? रीवेटिंग क्या है? रीवेटिंग का मतलब होता है होल्डिंग द अटेंशन और प्रोवोकिंग इंटरेस्ट। हम किसी चीज को गद्दार करते हैं या उसको कैद में रखते हैं, तो रीवेटिंग यानी दिलचस्प बनाना उस चीज को। रीवेटिंग कि मैं वीडियो को दिलचस्प बना रहा हूँ। एब्सॉर्बिंग, अरेस्टिंग, कंज्यूमिंग, एंगेजिंग, एनग्रासिंग, एनथ्रालिंग, फैसिनेटिंग, ग्रिपिंग, दिलचस्प बनाना। अब अगला शब्दकोश कौन सा है? कंटिजेंट यानी क्या होता है? अनिश्चित, अनसर्टेन, बिकॉज अनकंट्रोलेबल या सरकमस्टेंस, जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो। पॉसिबल संभावना, अनफॉर्सीन, अनफॉर्सीबल, अनिश्चित, और चले समथिंग न्यू और मैंने न्यू थिंग्स टू ग्रो आवर स्टार्ट सडनली। बिकॉज समथिंग न्यू और मैंने न्यू थिंग्स टू ग्रो आवर स्टार्ट सडनली। द न्यू इकोनॉमी फ्रीडम हैज स्पॉन, पैदा करना, स्पॉन मतलब होता है पैदा करना किसी चीज को। SPAWN स्पॉन यानी उत्पन्न करना किसी चीज को, स्पॉन। Cause something's new over many new things. Okay?
स्टार्ट शार्प। अगला शब्द कोश कौन सा है? फर्स्ट गेट, फर्स्ट गेट, फर्स्ट गेट यानी क्या होता है? बीट, टू बीट अवर एज इफ विद ए शॉर्ट हैवी क्लब, लकड़ी से मारना, फर्स्ट गेट करना, फर्स्ट गेट करना, फिर इनको फर्स्ट गेट करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, मैथ्यू वाज फर्स्ट गेटेड फॉर फेलिंग टू रिजर्व ए टेबल लॉज एंड टू अनकम वार्डेड ऑल ऑफ द विजिटर। अगला शब्द कोश कौन सा है? क्लेमेंसी, क्लेमेंसी यानी क्या होता है? नम्रता वाला, दयावान, क्लेमेंसी, सिंह है ये, क्लेमेंसी तो क्लेमेंसी, मर्सी या लेनियंस, लेनियंस तो मर्सी और लेनियंस, क्लेमेंसी मतलब दयावान, नम्रता वाला, उदारता वाला, मर्सी, मर्सीफुलनेस, ये सब सिनोनिम में दयावान, दयालुता, लेनियंसी, लेनियंस दिखाना, माइल्डनेस, इंडलजेंस, फॉरबियरेंस, ये सब क्या है? क्लेमेंसी को दिखाते हैं। अगला वर्ड है चाहते हो यूथ क्वैक, यूथ क्वैक नहीं होता क्या? अरे भाई जो सिग्निफिकेंट कल्चर लगता है पॉलिटिकल में, और ये सोशल चेंज अराइजिंग फ्रॉम द एक्शन और इन्फ्लुएंस ऑफ यंग पीपल, यानी वह युवा व्यक्ति जो वास्तव में समाज में परिवर्तन करने या महत्वपूर्ण संस्कृति को, सामाजिक परिवर्तन को बनाए रखने के लिए प्रभाव में लाता है। जैसे युवा लोगों का कार्य प्रभाव से मतलब बात करता है, तो वो कौन हो जाएगा? यूथ क्वैक पर्सन, आई एम माई लाइफ इज ए यूथ क्वैक। हम कह सकते हैं कि द कस्टमर्स केम फ्रॉम मैनी नेशन but only one generation and in Impotent ethnic youth cry। agla shabd kaun sa hai? emancipation, emancipation, emancipation kaun hota hai? emancipation ka matlab kya hota hai? dasat mukti, emancipation yani kya hota hai? yani hum kisi ke आवेश में ना रहे, हम किसी के प्रभाव में ना रहे, और हम दास जैसी चीज़ों से इमेंसिपेशन पे मुक्ति पाना, द फैक्ट ऑफ आवर प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शंस, लिबरेशन, समझ रहे हो कि हम उन चीज़ों से जो मुक्ति प्राप्त हो जाए, जो सोशल और पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन में हमारे लीगल तरीके से हो, हमें जो चीज़ प्राप्त है वही मिले, और बाकी जो चीज़ें हैं हमारे थोपने वाली जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाए, तो ये हो जाएगा इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मिल गया भैया, तो इसके प्रिलिंग हो गया, लिबरेशन हो गया, सिनोनिम आप समझ सकते हो, उसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं इमेंसिपेशन के? लिबरेशन, लिबरेटिंग, शूटिंग फ्री, लीज, रिलीजिंग, लेटिंग, लेटिंग लूज, लेटिंग लूज आउट, शूटिंग लूज फ्री, डिस्चार्ज आदि। अगला शब्द कौन सा है साथियों? कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन यानी क्या होता है? कॉमन सेंस वाला व्यक्ति कि भाई कौन सा है, और सेंस या एंटरप्राइज या इनिशिएटिव, भूमि, भूमि के चल भाई जो बात है रुकने वाला है, तो जो भूमि सहज बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसे कहो भूमि, गुमिप्सन, 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 GUMPTION, गुमिप्सन, तो कॉमन सेंस जो है वो गुमिप्सन हो गया है। जैसे एग्जांपल के द प्रेसिडेंट वुड हायर ऑलमोस्ट एनी यंग मैन हु हैड द गुमिप्सन टू आस्क फॉर ए जॉब, यानी अध्यक्ष जो स्तर में सहज बुद्धि प्राप्त हो जाए, अपनी जॉब को वो सहज बुद्धि से प्राप्त कर ले, वो क्या है? तो गुमिन्स जो है नया वर्ड है, गुम GUMPTION, गुमिन्सन है, तो उसके सिनोनिम क्या बना सकता है? जैसे इनिशिएटिव,
रिसोर्सफुलनेस, एंटरप्राइज, इमेजिनेशन, इमेजिनेटिवनेस, इंजेन्यूटी, ऐसी चीज़ों को आप बना सकते हैं। अनकाउट, अनकाउट यानी लेकिन गुड मैनर्स, यानी जिसमें थोड़ा मैनर्स की कमी हो, रिफाइनमेंट या एग्रेशन, अनसिविलाइज पर्सन हो, अनकल्चर्ड हो, अनकल्टिवेट हो, अनरिफाइंड हो, अनपॉलिश्ड हो, बेडंगा हो, इसको एग्जांपल करता हूँ, ये देख सकते हैं कि अनकाउट, अनकाउट यानी असभ्य हो, बेडंगा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये अनवॉश्ड, अनकाउट एंड ड्रंक मोस्ट ऑफ द टाइम, कितना बेडंगा है वो व्यक्ति, ड्रिंक करता रहता है। अगला शब्द कौन में से कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द चाटा है, मैं चाहते हो रिलीगेट, 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 वह व्यक्ति जो सेंस एंड इनफेरियर रैंक ऑफ पोजिशन, रिलीगेट बहुत ही नीचे उसका ग्रेड है या बहुत नीचे निर्दिष्ट है, वो बहुत निम्न स्तर पर है, रिलीगेट, जैसे रिलीगेट किस नाम से आप अर्थ पहचान सकते हैं, इसका डाउनग्रेड, जैसे लोअर, लोअर इन रैंक स्टेटस, तो रिलीगेट हो गया, पुट डाउन, मूव डाउन, रिलीगेट कर रैक में प्रिवेंट से कैसे कर सकते हैं, इसका टे एंड टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम बीइंग रिलीगेट टू सेकेंडरी रोल। अगला सब कुछ कौन सा है, पाली एटिव, पाली एटिव, PALLIVE, पाली एटिव यानी क्या होता है साथियो, कि वह जो लक्षण कम करने वाला हो, रोगों के लक्षणों को पालीवेटिव कहते हैं ना हम, कि भाई पाली एटिव कर दो, मैं एक मेडिसिन दो हमें और उसको पालीवेटिव कर दो, हमारे जो लक्षण है रोग हुआ है उसको कम कर दो, उसके वायरस और बैक्टीरिया को कम कर दो, मेडिसिन और मेडिकल रिलीविंग पेन ऑफ डीलिंग विद द कॉज ऑफ द कंडीशन, तो सूदिंग करना है उसको, एलिवेटिंग, सेडिएटिव, कालमेटिव और कार्मिंग एंड शांत कर देना उसको, बच्चों कम कर देना, ठीक। तो हम इसके सिनोनिम्स बना सकते हैं पालिएटिव के, सूदिंग, एलिवेटिंग, सेडिएटिव, कालमेटिव, कालमिंग, ये। अगला शब्द कोई कौन सा है, टीचर, टीचरस, टीचरस, टीचरस को हम गिल्टी ऑफ आवर इन्वॉल्विंग बिट्रेयल आवर डिसेप्शन, यानी टीचरस है भैया, कहते हैं ना कि वो विश्वासघाती है, टीचरस है क्या हो गया, विश्वासघाती, TREACHEROUS, TRICHERIAS यानी विश्वासघाती, तो हम TRICHERIAS के सिनोनिम क्या बना सकते हैं, तो जैसे TRAITORIOUS, TRAITORIOUS है भाई, डिसलॉयल है वो, PERFIDIOUS है, PERFIDIOUS, FAITHLESS है, UNFAITHFUL है, DUPLICATION है उसके, तो हम इसके TRICHERIAS विश्वासघाती, TRICHERIAS विशेषण है, यूजेस कैसे कर सकते हैं हम इसको, डिस्कशंस अबाउट द मॉर्निंग कैन लीड कपल्स इनटू ट्रिचेरियस टेरिटरी, विश्वास करते हैं। मेलेंज, अगला सब कुछ कौन सा साथ हो, मेलेंज, MELANGE, मेलेंज, मेलेंज यानी क्या होता है, मिक्स करने वाला, मिश्रण करने वाला, मेलेंज, मिक्सर बोल सकते हैं, मिक्स बोल सकते हैं, ब्लेंड, तो मेलेंज एक नया वर्ड है, नए नए वर्डों को छाट रहे हैं, मेलेंज, मेडले, प्लान, वैरायटी। अब अगला जो कौन कौन सा है, फ्रेंटिकली, 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 फ्रेंट FRANTICALLY, फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली का मतलब क्या होता है, फ्रेंटिकली का मतलब होता है पागलपन, फ्रेंटिकली, फ्रेंट पागलपन से पढ़ रहा है भैया वो, तो उसके हम
सार बार सकली और सीएनजीली सीएनजीली और हैक्टिकली एचसीटीआई सीएडब्ल्यूएलवाई हैक्टिकली यानी पागलपन टू लेडीज कंपीटिंग फॉर वेज अटेंशन देयर फैमिली फ्रेंडली एट हम यानी हम दोनों जो पागलपन से बहुत ही आकर्षित हुए। अगला शब्द कुछ बन सकता है न्यूशेंस। न्यूशेंस जो इनकन्वीनियंस हो, जो पर्सन है जो शून्य हो यानी उत्पाद प्रसन्न यानी जो बोल रहे हैं न्यूशेंस एंड यू आई एस ए एन सी सिनोनिम क्या बनेंगे इनकन्वीनियंस बोर बाधा प्रेजेंट मिनिमल इरिटेंट इत्यादि। कल्मिनेशन 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 अगला शब्द कुछ कौन सा कल्मिनेशन यानी चरम बिंदु पर पहुंचाना किसी चीज को या अंतिम छोर पर पहुंचाना उसके जैसे क्लाइमैक्स पिनाकल पीक हाई पॉइंट हाईएस्ट ये आदि। अगला वर्ड कोड कौन सा जाती हो मेलाइज 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 मतलब इलनेस जो बीमार हो डिसकम्फर्टेबल हो अनईज हो वो द एग्जैक्ट कॉज है जैसे कि कल्चर जिनसे भी चेनी हो जिसे मेलाइज एम एल आई एस सी एल आई एम एल आई एस सी मेलाइज मेलाइज तो अनहैप्पीनेस रेस्टलेसनेस अनएजीनेस अनएजी ये सारे से मेलांच ले तो मेलाइज बेचैन होना बेचैन सिक्लिशियन सिक्लिशियन अगला सब कौन सा सब है सिक्लिशियन सिक्लिशियन एक पर्सन है जो सिक्लिशियन यानी एक व्यक्ति जो अकेला रहता है सिक्लिशियन सिक्लिशियन है द स्टेट्स ऑफ बीइंग्स प्राइवेट टाइम अवे फ्रॉम अदर पीपल तो सिक्लिशियंस कहते हैं मैनेज लाइफ सिक्लिशियन कंडीशंस तो इसके सिनोनिम को देखते हैं हम synonym and I view tower concealment freedoms from interference इत्यादि। और इसको यूजेस कैसे करेंगे कि सेक्युलिजिशियन इज द बेस्ट वे टू कॉप विद ए ब्रेकअप डिसकॉम्बोबुलेशन डिसकॉम्बो शब्द क्या है कि हमें डिसकॉम्पुलेशंस करते हैं। उसके बाद आता है पेट्रीफाई 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 पार्ट फाइव मेक सो फ्राइटेंड दैट्स दे आर अनेबल टू मूव। पेट्रीफाई यानी क्या हो गया कि वह व्यक्ति जो हक्का बक्का रह गया हो पेट्रीफाई पेट्रीफाई जो एकदम अशिक जगत में पड़ गया जैसे अपैल अस्टानिश हो गया वहाँ से अस्टान डैच हॉफाई स्टार्टल टॉटिफाई टारिफाई तो वो क्या हो गया पेट्रीफाई हो गया। यू चीज कैसे कहते हैं द पार्ट
petrified remains of prehistoric animals. तो petrified, उसके बाद आता है prevalence, a fact of or conditions of beings, prevalence, commonness, यानी प्रवृत्ति जो फैलाव है, प्रसार हो जाता है किसी चीज का, क्या किसी को prevalence condition prevalence देखा हमने अभी, prevalent करना किसी चीज को, commonness करना यानी फैलाव प्रसार करना कि हम सिलेबस को इतना ही फैलाएं जितना कि हमें आवश्यकता है करंटली में, वाइड स्प्रेड या प्रीजेंस या जनरलिटी या प्री परवेजिवनेस यानी क्या होता है, फैलाव होता है, इसके सिनोनिम हम देख सकते हैं, कई बन सकते हैं, प्रीवलेंस। उसके बाद आता है डी रीडेड मैं इन शब्दों को कई बार दोहरा रहा हूँ, इसलिए दोहरा रहा हूँ साथियों कि ये शब्द नए हैं हमारे लिए, तो इसलिए हमें इन शब्दों को कई बार दोहरा के हम माइंड में इनको रिपीटेशंस करेंगे। आप वीडियो को भी दोहरा सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि डी रीडेड यानी क्या होता है, रिगार्डेड विद द ग्रेट फियर ओवर ए अप्रीहेंशन। डी रीडेड व्यक्ति जो वास्तव में खतरनाक है, डी रीडेड भाई, अप्रीहेंडेड फियर सरेंडर क्रिंज ट्रैम्बल, क्रिंज यानी जो भयानक, जो वास्तव में बहुत ही डरावना हो, ठीक है। तो हम इसको द डी रीडेड न्यूज कैम्स दैट जो वर्ड बीन, उसके बाद आता है एम्बेलिस मेक मोर अट्रैक्टिव बाय द एडिक्शंस ऑफ डेकोरेटिव डिटेल्स ऑफ फीचर्स, डेकोरेट एडन ऑर्नामेंट्स ड्रेस ड्रेस ऑफ फर्नेस, डेकोरेट करना किसी चीज को, एम्बेलिस यानी किसी चीज को सजाना, एम्बेलिस कर दिया भाई, तो मैं एक मोर अट्रैक्टिव बनाना, अट्रैक्टिव करना उस चीज़ को, एम्बेलिस में लगे हुए हैं। तो द एडिक्शंस ऑफ द डेकोरेटिव डिटेल्स, तो डेकोरेट करना, अडॉर्न करना, ऑर्नामेंट्स करना, ऑर्नामेंट लगाते हैं वो पहनते हैं, वो एम्बेलिस करने का ही तरीका है, ड्रेस ड्रेस ऑफ फर्निश किया हुआ है, एम्बेलिस किया, सुंदर बनाना उस चीज को। कैपुलेंस नया वर्ड क्या है, एक और कैपुलेंस, कैपुलेंस यानी क्या होता है, CRAPULENCE, कैपुलेंस, कैपुलेंस यानी जो इलनेस ड्यू टू ओवर एटिंग और ड्रिंकिंग टू मच, यानी वह व्यक्ति जो वास्तव में ज़्यादा खा के बीमार हो जाता है, अत्यधिक खा लेना किसी चीज़ का या अत्यधिक पी लेना, क्रपलेंस, ए पर्सन इज ए क्रपलेंस, व्यक्ति जो बहुत ही अत्यधिक खा लिया है, तो इसको हम क्रपलेंस कहेंगे। जैसे आप इसको यूज कैसे कर सकते साथियों, लेजली ए क्रपलेंस वाज ड्यू इन मोस्ट पार्ट टू एटिंग फोर प्लेट्स ऑफ हिज फ्रेंड चिकन्स पोटैटो सलाद्स एंड चॉकलेट्स केक्स एट द फैमिली रियूनियन। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला शब्द कुछ कौन सा आता है, डिप्रीडेशन तो डिप्रीडेशन यानी क्या होता है, एन एक्ट द अटैकिंग ओवर ए प्लंडरिंग, यानी एकदम आपने लूटपाट कर दिया, डिप्रीडेशन लूटपाट एकदम कर देंगे, हम एकदम हमला कर देते हैं, एकदम लूटपाट करने लग जाते हैं वहाँ पर सामानों की, तो वो डिप्रीडेशन सिचुएशन है वहाँ पर, डिप्रीडेशन
है, प्लंडरिंग है, वहाँ पर लूटिंग्स है, प्रालिंग जिंग, रॉबिंग, रॉबरी, राइडिंग, रिवेंजिंग, सैकिंग, जैसे डिप्रीडेशंस. द सिटीजन्स ऑफ लंदन हैविंग सफर्स फ्रॉम द डिप्रीडेशंस ऑफ थाइप्स एंड स्प्लॉरेंस हु एस्केप इनटू साउथ वार्क पेटिटियंस पार्लियामेंट्स फॉर प्रोटेक्शन. तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद अगला शब्द जो है हमारा है बाइजेंटाइन. बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन मतलब क्या होता है? ऑफ ए सिस्टम ऑफ सिचुएशंस एक्सेप्टली कॉम्प्लिकेटेड एंड टिपिकली इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. यानी वह बाइजेंटाइन है वे पर्सन जो वास्तव में स्थिति हमारे पास क्या आ जाती है, बाइजेंटाइन कंडीशन आ जाती है हमारे पास बहुत बार सिस्टम के अंदर कि हम चीज़ों पर निर्णय नहीं कर पाते हैं. बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन यानी हमने अभी एक शब्द और देखा था, अभी आपको शब्द की ओर ले जाते हैं हम उन्हें. ये रहा डिसकॉम्बोबुलेशन जो शब्द था, डिसकॉम्बोबुलेशन वो एक मानसिक अनिश्चितता की स्थिति जब उत्पन्न होती है तब हम उसको यूज करते हैं. जबकि अभी हमने बताया कि क्रेपुलेंस हो गया हमारा, क्रेपुलेंस नहीं हुआ ना, हाँ. तो बाइजेंटाइन कंडीशन जो है वो पेचीदा है कि भाई बाइजेंटाइन BYGZANTIN बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन पेचीदा. इसके सिनोनिम क्या बनेंगे? इन्वॉल्व, नॉटी, टेंगल, टेंगलेट, कन्वॉल्यूटेड, टॉर्टुअस, ये आदि शब्द हमारे बनेंगे. उसी प्रकार से इंजेन्यू, इंजेन्यू यानी इंजेन्यू वर्ड क्या है? एन इनोसेंट ओवर ए अनसोफिस्टिकेटेड यंग वुमेन्स स्पेशली इन ए प्ले ओवर प्लेम. निष्कपटता, इंजेन्यू, निष्कपटता. अगला हम पार्ट अगले उसमें देखेंगे और अभी के लिए थैंक यू. शेयर करें सर, और सभी के लिए धन्यवाद. लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को.